कभी कभी इतने घर में केले आ जाते हैं कि कोई खाना पसंद नहीं करते हैं, केले ख़राब होने लगते हैं। आज मैं उसी केले से अच्छी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे केले बर्बाद नहीं होंगे और बच्चे बड़े सब पसंद से खा लेंगे। तो आपके घर में जो भी केले पड़े होंगे उस केले को ले लेना है। मैं उसे छील के ग्राइंड कर लूँगी। तो उसे सबको मैं ग्राइंड कर ली हूँ, उसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब मुझे इसमें मैदे मिलाने हैं, तो मैदे इतने ही मिलाने हैं कि दोनों का बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए। ज़्यादा मैदे नहीं मिलाने हैं। और मैदे को धीरे धीरे करके इसमें मिलाना है, जिससे कि इसमें गांठें ना रहें। अब मैं 2 चम्मच और मैदा इसमें डालूंगी। इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। इसमें मुझे पानी नहीं देना है, ना ही दूध ही देना है, सिर्फ केले में ही इसे हमें मिलाना है। अब मैं इसे 10 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसमें सौंफ मिलाऊंगी। एक तरफ मैं चाशनी बना लेती हूँ, तो 1 कटोरी में चीनी डाली हूँ, उसमें 1/2 कटोरी में पानी डालूंगी। आपके पास जितना केला होगा उतना ही आप चाशनी बनाइएगा। मेरे पास थोड़े से केले थे। अब मैं एक तरफ कढ़ाई गर्म होने के लिए तेल डाल के छोड़ दी हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी इलायची डाल दी हूँ चाशनी में। इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस भी डालूंगी। इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, मैं पहले इसे तल लेती हूँ। आप इसका जैसा शेप देना चाहें दे सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से सेक लूंगी। इसे हाई फ्लेम में नहीं तलना है, लो फ्लेम में धीरे धीरे करके तलना है, जिससे कि अंदर तक ये अच्छे से सेक जाए। मैं फिर से और डालती हूँ। चाशनी में थोड़ा सा मैं नींबू का रस डाल दी हूँ, जिससे कि ये जमेगा नहीं। इसे मैं मिला लेती हूँ। मेरा सारा ये फ्राई हो चुका है, मैं इसे चाशनी में डाल देती हूँ। अब मैं निकाल लेती हूँ। ज़्यादा देर नहीं रखना है चाशनी में। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। ये सब कोई बहुत ही प्रेम से खाएंगे। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स।